मैंने आपको इससे पहले वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि प्रत्यावर्तक धारा का औसत मान शून्य के बराबर होता है। तो अब इसमें यह है कि हम प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं भाई। तो इसके लिए है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम आवासीय मान भी कहते हैं, प्रभावी मान भी कहते हैं इसको जो भाई। तो इसके नाम ये दिए जाते हैं भाई। तो वर्ग माध्य मूल मान, जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है कि जो इसका एक चक्र के अंदर प्रत्यावर्ती धारा होगी उसका हम पहले वर्ग करें, फिर उसका औसत निकालें और उसके बाद फिर उसका वर्गमूल ले, तो वो कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसको शॉर्ट में कहते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो RMS इसका अर्थ होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसके नाम से हम इसमें क्या करें भाई, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में विद्युत धारा के वर्ग के औसत का वर्गमूल, एक पूर्ण चक्र में विद्युत धारा के वर्ग के औसत का वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में विद्युत धारा के वर्ग के औसत का वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो इसको हम क्या करें, कैसे लिख सकते हैं, IRMS, इसमें शॉर्ट में ऐसे ऐसे लिखते हैं। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, पहले तो हम इसका क्या करें, वर्ग करें, फिर इसका औसत निकालें और उसके बाद वर्गमूल लें, तो ये कहलाता है IRMS। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं पूर्ण चक्र के लिए। तो ताक्षणिक प्रत्यावर्ती धारा ये होती है आपकी I=I0 sin ωt। अब इसका पहले हम क्या करें, वर्ग करें, वर्ग करने पर I²=I0²sin²ωt। और अब इसका क्या करें, औसत मान निकालें, औसत मान। तो I²एवरेज ये इक्वल टू I0²एवरेज, इसका तो हम औसत मान ले नहीं सकते क्योंकि ये तो एक फिक्स वैल्यू है, तो अभी फिक्स वैल्यू का कोई औसत मान नहीं होता, वो तो वही जो इसकी वैल्यू वही उसकी औसत मान कहलाता है। अब इसमें ये sin²ωt है,
इसका हम औसत मान लेंगे तो इसके लिए हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब है आप औसत मान निकाल रहे हैं भाई। तो ये आई स्क्वायर एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। या इसको पहले हमें ऐसे लिखें, एक पूर्ण चक्र में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज इसका मान होता है 1/2। वैसे इसमें मैथमेटिकली भी आप इसको निकाल सकते हैं 0 to T का आज के लिए करके और उसे इंटीग्रेट करके निकालें तो आपकी ये वैल्यू इसमें इतनी आ जाएगी 1/2। तो ये शॉर्ट तरीका है, आपको ज़्यादा लंबे चौड़े में नहीं जाना है। अतः आई स्क्वायर एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2 और ये आपका आई स्क्वायर एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें क्या करना है, इसका वर्गमूल लेना है। वर्गमूल अतः आई आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर एवरेज का अंडर रूट। सो आई आर एम एस इक्वल टू ये है आपका आई 0 square upon 2 इसका वर्गमूल। आई आर एम एस इक्वल टू ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2। तो यानी कि आई आर एम एस जो वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू की 1/√2 होती है। अब 1/√2 का मान 1.414 होता है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू से कम होती है। और आप मैंने आपको अभी अर्धचक्र के लिए बताया था तो वो भी वैल्यू पीक वैल्यू से कम होती है और पीक वैल्यू में उसका मान होता है आपका 2 I0/3। तो अगर हम उसको करें तो वो I0/1.5 तो यानी कि वो वैल्यू और भी कम होती है इससे। तो इसका मतलब आई आर एम एस ज़्यादा होता है अर्धचक्र में औसत वैल्यू से। जो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट रूट 2 का मान रख दें और इसकी भाग लगा लें तो ये वैल्यू लगभग इतने आ जाती है। तो ये स्पष्ट है कि आई आर एम एस लेस देन आई नॉट पीक वैल्यू से इसकी वैल्यू कम होती है। भाई इसी प्रकार प्रत्यावर्ती विभव के लिए वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 या कहिए आप इसको 0.707 वी नॉट ये इक्वल टू वी आर एम एस और ये इसमें आपका इसलिए वी आर एम एस इज लेस देन वी नॉट। वी नॉट इसमें क्या कहलाता है, विभव का शिखर मान। जो मैंने प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान बताया था उसमें एक टर्म आर और आता है जो कुंडली का प्रतिरोध कहलाता है वी ए एन ओमेगा अपॉन आर। वो मैं आर लिखना वहाँ पर भूल गया। तो वी आर एम एस लेस देन वी नॉट ये इसकी वैल्यू इससे कम होती है। तो हम इन तीनों की हम कंपैरिजन करें इसके अंदर कि भी अर्थ तो ये इसका वर्गमाध्य मूल मान होता है, ये इसका आभासी मान होता है। वर्ग माध्य मूल मान को
आभासी मान या प्रभावी मान भी कहते हैं। तो हम इनको एक वक्र के अंदर दिखा सकते हैं, आई एवरेज हाफ कितना होगा और वो वैल्यू कितनी होगी। ये इसमें हम ले रहे हैं यहाँ पर टी, ये जीरो, ये आई ऑन बोथ साइड्स, ये वैल्यू है इसकी आई नॉट, और यहाँ पर ये वैल्यू है इसकी माइनस आई नॉट। ठीक है, अब इसमें आपको दिखाना है क्या कि इसकी वी आर एम एस और आई आर एम एस कितना होगा। जो ये तो वी आर एम एस वैल्यू या आई आर एम एस वैल्यू जो होती है वो इसके आधे से अधिक होती है, तो ये इसकी वैल्यू आई नॉट है, तो आई नॉट का आधा लगभग यहाँ पर होगा, तो इससे थोड़ी सी ऊपर, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये कहलाएगी आई आर एम एस। ऐसे ही हम यहां पर दिखाएं तो ये वैल्यू आपकी इतनी आएगी, जो ये है आई आर एम एस। और हम इसकी अगर हाफ वैल्यू दिखाना चाहते हैं कि टी एवरेज हाफ, तो ये इससे कम होती है सीधा, ये हम इसका देखें, ये कहलाती है आई एवरेज टी हाफ, आई एवरेज टी हाफ। तो आई एवरेज टी हाफ जो होती है वो आई आर एम एस से कम होती है जो ही। तो अभी हम तीनों में हम इसमें एक वो देखें कि संबंध क्या हो सकता है, जो ही जहां आई एवरेज टी हाफ इक्वल टू अर्धचक्र में औसत मान। तो हम इसमें देखें कि आई नॉट का मान ज्यादा होता है किससे, आई आर एम एस से, और आई आर एम एस का मान ज़्यादा होता है आई एवरेज टी हाफ से। तो ये तो इसके घटते हुए क्रम के अंदर हो गई, ये इसमें इस तरीके से होता है, तो ये है घटते क्रम में। और अगर इसको हम बढ़ते क्रम में लिखना चाहें तो आई एवरेज टी हाफ लेस देन आई आर एम एस लेस देन आई नॉट, ये हो गया बढ़ते क्रम में। तो हमारे जो घरों में विद्युत धारा आती है, तो जो हम मान पढ़ते हैं वोल्ट मीटर एमीटर के अंदर, वो आपका यही मान होता है, वर्ग माध्य मूल मान ही होता है इसका जो है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे वोल्टमीटर व एमीटर एमीटर विद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूँ, दो इसका एग्जाम्पल, घरों में
घरों में जो वोल्टता आती है वी, ये आपका होता है 220 वोल्ट। तो ये क्या 220 वोल्ट, ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। तो हम इसको ऐसे लिखें वी आर एम एस इक्वल टू 220 वोल्ट। और जो विद्युत धारा का मान होता है वो लगभग 10 एम्पीयर के बराबर होता है, आई आर एम एस इक्वल टू 10 एम्पीयर। तो मतलब क्या है कि जो हम 220 जैसे आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है घर के अंदर, और सपोज करो भी 100 वोल्ट पड़ता है तो वो आरएमएस वैल्यू बता रहा है आपको। अगर मीटर है और मान लो कि वो 5 एम्पीयर पड़ता है तो वो आरएमएस वैल्यू बता रहा है आपको। पीक वैल्यू तो इसकी निकालनी पड़ेगी जो भाई। शिखर मान, शिखर मान निकालना तो भी ये आ जाएगा आपका वी नॉट इक्वल टू रूट टू इंटू वी आर एम एस। सो ये रूट टू का मान 1.414 इंटू वी आर एम एस का मान 220, तो ये लगभग 311 वोल्ट आ जाता है। यानी हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वो 311 वोल्ट शिखर मान की आती है। इस भी कैसे प्रत्यावर्त धारा का मान निकालेंगे तो ये वैल्यू 10 एम्पीयर से ज़्यादा आएगी इसके अंदर, तो शिखर मान हमेशा अधिक होता है जो ये। तो इस का जो शिखर मान जो होता है वो इस आरएमएस वैल्यू से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर लगे हुए वोल्टमीटर और अमीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू ज्ञात करते हैं, इनके द्वारा एक्चुअल वैल्यू ज्ञात नहीं होती है। इसीलिए जो वोल्टमीटर और अमीटर होते हैं इनके जो स्केल बनाया जाता है तो उसमें चिन्हों के बीच की दूरी कभी बराबर नहीं होती है। जबकि दिष्ट धारा अमीटर और वोल्टमीटर जो होते हैं उसमें जो स्केल बनाते हैं उनमें चिन्हों के बीच की दूरी समान होती है। अब जो प्रत्यावर्ती धारा अमीटर वोल्टमीटर होते हैं उससे आप दिष्ट धारा का तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा वोल्टमीटर और अमीटर से आप उसमें प्रत्यावर्ती धारा का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दिष्ट धारा जब उनमें प्रवाहित की जाती है तो इसका एवरेज मान शून्य होता है, तो शून्य होने के कारण जो उसका पॉइंटर है वो जड़त्व के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वो हमेशा जीरो पर ही बना रहता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं किसी डायरेक्शन इतनी तेज़ी से चेंज होती है कि हमें आवास ही नहीं होता कि उसमें स्केल विक्षेपित होता है कि नहीं होता है। जैसे इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज़ है, आवृत्ति एफ का मान होता है 50 हर्ट्ज़। अब ये आवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि हमारी आँखें डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो उसमें क्या होता है हमें वो स्केल वो पॉइंटर जो होता है अपने स्थान पर हिलता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है, तो उसमें आगे विक्षेपित ही नहीं हो पाता है। इसलिए जितने भी मीटर वोल्टमीटर होते हैं इनमें लगे हुए वो सब विद्युत धारा का आवासी मान और जो विद्युत वोल्टता होती है उसका भी वो आवासी मान ही पड़ते हैं। तो इनके लिए पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार के अमीटर वोल्टमीटर प्रयोग किए जाते हैं जिसको हम तप तार अमीटर और तप तार वोल्टमीटर कहते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।